देखिए प्ले कर दिया और ऑफ कर दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज राउकला दे विच पूरी संगत, राउकला दी संगत इकट्ठे होके सुखमनी साहब पाठ करके जिन्हें भी जिन्हें जेडे यूपी दे विच लखीमपुर दे विच जेडे पंच किसान शहीद होए उन्हां दी आत्मा दे शांति वास्ते सुखमनी साहब दे पाठ किए गए हैं। तो अज पूरी राउकला दी संगत इत्थे जुड़ के उन्हां नूं आत्मा दे शांति वास्ते अरदास करके नाल दे नाल उन्हां दे विरोध कर रहे जेडे पंच जेडे विरोधी हैगे किसानों नूं कुचलिया उन्हां दा खूब विरोध कर रहे कि उन्होंने सख्त तो कड़ी सज़ा मिले। असी गलबात करांगे सरदार बलदेव सिंह जी के नाल जिहड़े गुरुद्वारे श्री गुरु गोबिंद सिंह सभा के सैकटरी है और होर भी सुखविंदर सिंह जज जिहड़े वाइस प्रेसीडेंट है बलदेव सिंह और सारे मैंबर्स जुड़ चुके हैं। असी गलबात करावांगे बलदेव सिंह जी जिहड़े यूपी दे विच लखीमपुर दे विच जिहड़ी घटना वापरी गई है और काफ़ी किसान जिहड़े किसानों नूं बोलिया जा रहा कि सोची सी चाल सी, तो उसके बारे की बोलना चाहोगे जिहड़े किसान जिहड़े शहीद होए? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यूपी लखीमपुर खीरी में जो 3 अक्टूबर को अत्यंत भारत के इतिहास की दुखदायी घटना हुई है, उसका सिख जगत, राउरकेला का सिख जगत पुरजोर विरोध करता है और जो किसान वहाँ पर शहीद हुए हैं, जिन्हें कारों से कुचला गया है, लोग पीछे से आके उन पर कारें चढ़ाई गई हैं, ये भारत के आज़ादी के इतिहास में एक ये काला दिवस है। ये दिन एक ऐसा दिन आया है जिसकी पूरी दुनिया में भारत की जो सरकार में जो बैठे हैं गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के, उनके अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा और उनके साथ उनके जो गुंडे थे, उन्होंने सिखों को वहाँ पर पीछे से गाड़ी चलाकर जो कुचला है, पूरी दुनिया में ऐसे नेताओं ने भारत का सर नीचा किया है, भारत की इज्जत पे बट्टा लगाया है। जिस इंसान की गृह राज्य मंत्री पूरे भारतवासियों की सुरक्षा का उसका जिम्मा होता है, उस आदमी ने अपने बेटे के उसको शह दे के ये जो कांड किया है, उसका ये हक नहीं बनता अब कि वो राज्य गृह मंत्री की गद्दी पे बैठे। भारत सरकार को चाहिए ऐसे मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनको पकड़ के उनके ऊपर FIR हो के उनके बेटे को पकड़ के और जो दोषी हैं उनको पकड़ के जो वाजिब सज़ा बनती है वो दे के उनको जेल में डालना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को एक ये पता चल सके कि जिन्होंने ये किया है उनको किस तरह से सज़ा मिलती है। जब तक सज़ा नहीं मिलती है सिख कौम इसका विरोध करती रहेगी, करती आई है। आज राउरकेला में पूरी सिख संगत ने जो शहीद हुए हैं 4 सिख, उनके लिए सुखमणि साहब जी का पाठ किया है, उसके बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए अरदास की है और उसके साथ साथ ही हम लोगों ने काली चुन्नी लेके काले बिल्ले लगा के राउरकेला की पूरी सिख संगत जो है इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसी घटना आने वाले भविष्य में किसी की करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो मैं सोचता हूँ कि जलियांवाला बाग की से भी इन्होंने आगे ये कांड किया है। जलियांवाला बाग में जब गोली चली थी तो अंग्रेज़ों ने सामने से गोली चलाई थी और सिख भाइयों ने हमारे देशवासियों ने छातियों पर गोली खाई और ये ऐसे मैं कहूँगा कि कायर अपने आप को बोलते हैं कि हम भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, ऐसे कायर जो पीछे से जाके गाड़ी चढ़ाते हैं, ये उनका एक कायरता की वो निशानी है। अरे इतना ही था तो सामने से गाड़ी लेके आते, पता चलता कि तुम में कुछ दम है।
सो मैं ये बेनती करना चाहता हूँ भारत सरकार से, रौरकली की समूह संगत यह चाहती है, उनकी ये डिमांड है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा है, उनके साथ जो भी दोषी हैं उनको पकड़ में जेल में डाला जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको बर्खास्त किया जाए, ये हमारी डिमांड है। तो नाल दे नाल ही कल सिंगू बॉर्डर, परसों सिंगू बॉर्डर के गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी हुई थी, तो एक नियंग सिंह ने जो बेदबी करन आया से RSS का उनका हाथ भी वटता और पैर भी वटता, तो उसके बारे की बोलना चाहोगे? देखिए, जो हमारा देश है ये सर्व धर्मों का एक मिला जुला देश है, यहाँ हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम सब रहते हैं और सबके धर्म ग्रंथ का हम पूरा आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के धर्म ग्रंथ के ऊपर में, ये पहली घटना नहीं थी, इस घटना को पिछले 3 साल से सिखों ने बर्दाश्त किया है और अनगिनत घटनाएं हुई हैं, रौरकला में हुई है, हमारे उड़ीसा के रौरकला में, कटक में हुई है, पंजाब में अनगिनत हुई है, देश के हर और दूसरे कोने कोने में हुई है, लेकिन आज तक सरकार ने उनको ना पकड़ा है, ना उनके ऊपर कोई केस किया है, ना उनको कोई सजा हुई है। पकड़ के खाली एक ही बात कहते हैं, ये तो जी मेंटल था, ये पागल था। अरे बड़े कमाल की बात है, जो पागल है जो मेंटल है उसको खाली गुरुद्वारा ही दिखता है, केवल गुरु ग्रंथ साहिब दिखते हैं, उसको खाली धर्म ग्रंथ दिखता है। मैं ये नहीं कहता किसी भी धर्म ग्रंथ की, पमा हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो बौद्धी हो जैनी हो, किसी भी धर्म ग्रंथ की उसका निरादर नहीं होना चाहिए, पूरा सम्मान होना चाहिए। और ये हमारे भारतवर्ष में ये जो हो रहा है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जंग हुई हैं, इसके लिए लोग कितने शहीद हो जाते हैं। सो ऐसे मुद्दे को गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी, अगर वो वाकई ही वो पागल है, ठीक है, उसको पागल खाने भेजा जाए, उसको पागल खाने क्यों नहीं भेजते, उसको क्यों छोड़ दिया जाता है? अगर वो मेंटल है तो उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए ना, अगर इसका मतलब वो मेंटल है नहीं, अगर मेंटल तो मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा जाता, पागल है तो पागल उसके खाने क्यों नहीं भेजा जाता है? ये सोची समझी साजिश के तहत हम आपस में जो भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धी जैनी, इनको एक लड़ाने की साजिश की जा रही है और हम इनकी साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, भाई भाई बन के रहेंगे और देश की अखंडता के लिए, देश की रक्षा के लिए सिखों ने हमेशा सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के कुर्बानियाँ दी हैं। आज भी कश्मीर में 4 सिख शहीद हुए हैं जो उग्रवादियों ने मारे हैं, वो सिख रेजिमेंट की थी। बड़े कमाल की बात है, भारत सरकार उग्रवादियों से लड़ने के लिए सिख रेजिमेंट भेजती है। भाई BSF किस लिए है और आर्मी किस लिए है? सिख रेजिमेंट को तब बॉर्डर पे भेजा जाता है जब सबसे, मैंने जब से कठिन वक्त आता है उस समय सिख रेजिमेंट को भेजा जाता है। महाराज सिखों को मरवाने के लिए कश्मीर में भेजा जाता है कि उग्रवादियों से जाओ लड़ो और मरो, और 20-20 साल के बच्चे वो शहीद होके आते हैं। उन वो जो 20 साल का बंदा शहीद होके आता है, किसी की 2 साल पहले शादी होती है, किसी की 4 साल पहले होती है, उनके पीछे बच्चे होते हैं, उनको कौन देखेगा? ये किसकी जिम्मेवारी है? सो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आप देश में चैन अपन बहाल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर द्वेष नहीं चला है, नहीं चलेगा, नहीं चलने दिया जाएगा। हम सब एक हैं, भाई 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 एक हैं, एक होकर रहेंगे और देश की अखंडता और एकता के लिए हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे। सुखविंदर सिंह जी नाल जी एक बार गलबात करांगे। सुखविंदर सिंह जी, आप दसो, जो नियंग सिंह ने जो हाथ वड्या ठीक किया, गलत किया? एकदम ठीक किया, मैं कहना जो अपना हक नहीं मिलता वा तो ऐसे हक लाने पैंता वा, लड़की लाने पैंता। अगली बार जो किसानों के उत्ते फिर गड्डिया चाड़ी जाएगी तो फिर रौकला का जत्था की करेंगे? एकदम जत्था लेके जावांगा, सिंह सभा एकदम लेके जावांगा, जत्था लेके जावांगा। बोलो योगी सरकार बर्खास्त किया जाएगा सब। बार बार खाली योगी सरकार बीजेपी सरकार गवर्नमेंट है, बीजेपी जिम्मेदार है सरकार, बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार है, जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, बीजेपी सरकार बैठा दिया की हो गया वा, वो ज्यादा जात पात कर दिया वा, अज नु किसान ही विखंड भी किसान बैठे 10-11-12 महीने हो गए और ये जाके लखनऊ जाके बरेलिया करता वा, दिल्ली जाके बहुत ही नहीं है, की होंगे नहीं होंगे पंजाबियों ने कांड होंगे भी कुछ मोदी बोलता नहीं आंधा अंधा बंदा हो गया प्रधानमंत्री, तो उन्होंने लाना चाहिए वा।
ते पूरी अपने रौकला दे लोकां नूं ते होर जिन्ने भी सिख कम्युनिटी है ते उन्हां नूं की मैसेज देना चाहोगे किसान वास्ते? भाई आपां जिहड़े आ अपने बंदे नाल अभी नाल हैगे आ किसानां दे नाल हैगे आ सिंघां दे नाल हैगे आ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਗੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान अपना हक लेके रहेंगे हम किसान के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते कृषि विरोधी तब तक हम खड़े रहेंगे लड़ते रहेंगे और ये कानूनों को वापस करके रहेंगे सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे जो किसान विरोधी है और ये हमारा देश है कृषि प्रधान देश है 70% आदमी कृषि है किसान है जो प्रधानमंत्री 70% आदमी की आवाज नहीं सुनता है उसको ये कहने का हक नहीं है कि मैं सबका विकास चाहता हूँ सबका साथ चाहता हूँ 70% की तो तुम बात नहीं सुन रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और कैसे कह सकते मैं सबका साथ और सबका विकास चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप किसानों की बात को सुनेंगे उनके मुद्दे का हल करेंगे और ये जो 10 महीने से करीब करीब 600 से ऊपर किसान शहीद हो गए हैं उनकी शहादत को देखते हुए आप 3 कानून जो है कृषि के वापस लेंगे और एक खुशहाल देश बनाने का आप पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं आपकी ये जिम्मेवारी बनती है। इतना कह के अपने को शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इसी दे नाल तुसी देख रहे कि विरोध हो रहे काफ़ी लोगों के भी तो जिन्हें भी लेडीज है कि आप उन्होंने गल भी करावे और काफ़ी लोग रौकला के लोग भी जोड़े सिख कम्युनिटी वो विरोध कर रहे हैं कि जोड़े यूपी के लखीमपुर के जोड़े बंद ने BJP के बंद ने 5 किसानों के उत्ते गड्डी चाड़ी है उन्होंने जल्द तो जल्द सज़ा मिले और अगली बार कोई भी किसान के उत्ते गड्डी चाड़ी जाएगा कोई भी चाड़ता है तो वो बहुत ही कठिन कार्रवाई की जाएगी किसान जथेबंदी तरफों। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।